टीनेज एक बहुत क्रूशियल फेज होता है हमारी लाइफ का। टीनेज कंसिडर करी जाती है द एज बिटवीन 13 to 19 ईयर्स। और टीनेज के टाइम पर हमारे पास बहुत एनर्जी होती है एज कंपेयर टू अदर्स। और टीनेज के टाइम पे अगर हम अनहेल्थी फूड भी कंज्यूम करते हैं तो भी हम अपना वेट रिड्यूस इजिली कर लेते हैं। गाइस, दिस इज राजेश अरोरा। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। टुडे आई विल शेयर 5 टिप्स टू लूज वेट फास्ट फॉर टीनेजर्स एट होम। बिफोर स्टार्टिंग, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, गाइस प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच वीडियोस। सो अपना टाइम वेस्ट किए बिना सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट ईटिंग ब्रेकफास्ट। गाइस, ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट मील, बट सम टीनेजर्स को लगता है कि अगर हम मोस्ट अपना ब्रेकफास्ट मील को स्किप कर लेंगे और उससे उनका वेट रिड्यूस हो जाएगा, तो गाइस ऐसा नहीं होता। बल्कि ब्रेकफास्ट करने से क्या होता है, आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्टार्ट हो जाता है, और उससे क्या होता है, हमें पूरे दिन में जो एनर्जी मिलती है, पूरी एनर्जी हमारी पूरे डे में रहती है हमारे पास, जिससे हम अपना डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाते हैं। और हमें अपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन कंटेंट को इंक्लूड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एग वाइट ले सकते हैं और मिल्क को भी इंक्लूड करिए अपने ब्रेकफास्ट में। सो गाइस, डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट मील ऑफ योर डे। सेकेंड पॉइंट इज फिलिंग अप ऑन फ्रूट्स एंड वेजीज। गाइस, फ्रूट्स और वेजीज जो होते हैं वो हाई इन फाइबर होते हैं बट लो इन कैलोरीज। आप अपने मील से पहले अगर उसको आप लेंगे एज अ स्नैक यूज करेंगे तो आपका जो टमी रहेगा वो थोड़ा फुल रहेगा, उससे आप फिल रहेगा, तो आप जो अपने एक्चुअल मील के टाइम पे आप अपना लेस कंज्यूम करेंगे, तो आप लेस कंज्यूम करेंगे तो आपके अंदर आप कैलोरीज कम लेंगे, आपको भूख नहीं लगेगी और आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा इजीली। थर्ड पॉइंट है अवॉइड फास्ट फूड। गाइस, बहुत से टीनेजर्स को ये पसंद होते हैं, प्रेफर करते हैं हैविंग ईटिंग फास्ट फूड लाइक बर्गर्स एंड फ्राइज। और गाइस, इट इज ओके टू हैव इट ओकेजनली, आप ले सकते हैं, बट इसे डेली कंज्यूम करना इट इज नॉट अ गुड हैबिट, आप इसे अवॉइड करिए। सो फोर्थ पॉइंट है, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइज एवरी डे। गाइस, हमें अपनी बॉडी को एटलीस्ट 1 आवर देना चाहिए डेली, चाहे उसमें हम आप अपना एक्सरसाइज इंक्लूड करिए, चाहे आप इंक्लूड करिए रनिंग इंक्लूड करिए, चाहे आप अपना कोई फेवरेट स्पोर्ट्स प्ले कर सकते हैं जैसे कि टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल, एनी गेम यू लाइक, तो आप उसे आप कैलोरीज बर्न करेंगे और आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा इसलिए। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, सेलेक्ट योर ड्रिंक। गाइस, मार्केट में बहुत सारे ऐसे जूसेस अवेलेबल हैं जिसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होता, तो हमें वो अवॉइड करना चाहिए। आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं विद वाटर। वाटर कंज्यूम करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी पूरी क्लीन हो जाती है, आप एक अच्छी क्वांटिटी में वाटर कंज्यूम करेंगे तो, और आप डिहाइड्रेटेड फील नहीं करते, आप थ्रू आउट द डे हाइड्रेटेड फील करेंगे और उससे आपको हेल्प होगी आपका वेट रिड्यूस करने में। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू लूज वेट फॉर फास्ट फॉर टीनेजर्स।
सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि इसमें कोई और पॉइंट भी हम इंक्लूड कर सकते थे। आप अपना वेट रिड्यूस करने का सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और दिस मोटिवेट्स मी टू मेक सच मोर सच वीडियोस इन फ्यूचर। सो कीप सपोर्टिंग। टिल देन थैंक यू।